सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि मोबाइल से प्रोफेशनल ब्लॉग वीडियो कैसे एडिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं लैपटॉप से कंप्यूटर से सिखाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ अपने एंड्रॉइड मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो को एडिटिंग करना। दोस्तों, अगर आप लोग भी जो है ब्लॉगिंग करते हैं और आप लोग ब्लॉगिंग जो वीडियो है रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप लोग उन वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से जो है एडिटिंग करना नहीं जानते हैं कि ये जो ब्लॉग वीडियो प्रोफेशनल तरीके से कैसे एडिटिंग की जाती है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग मैं प्रोफेशनल ब्लॉग वीडियो को एडिटिंग करना सिखाऊंगा मोबाइल से। यहाँ पे आप लोग को जो है कैसे ट्रिम करना है, कैसे क्लिप को कट करना है, कैसे स्लो मोशन करना है, कैसे फास्ट मोशन करना है, और कैसे आप लोगों को उसमें जो है ट्रांजिशन डालना है, कैसे इफेक्ट डालने हैं, कैसे फिल्टर डालने हैं, ऑल जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। और कैसे इंट्रो बनाना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है और पीसी नहीं है, तो आप लोग अपने मोबाइल से ही वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो चलिए, मैं आप लोग को फटाफट से सिखा देता हूँ मोबाइल से प्रोफेशनल वीडियो को कैसे एडिटिंग करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं मोस्टली यहाँ पे वीडियो को एडिटिंग करने के लिए यूज़ करता हूँ काइन मास्टर, और मोस्टली काफ़ी जो यूट्यूबर हैं वो काइन मास्टर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो काइन मास्टर है प्रो वर्जन, तो ये आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका वंडल वर्जन आप लोग परचेज़ करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को मेम्बरशिप लेनी होगी, तो वाटरमार्क इसका जो है रिमूव हो जाएगा और ऑल फीचर आपको जो है फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। एप्लीकेशन जब आप लोग ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। ऊपर आप लोग को क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग रेशियो को सेलेक्ट करेंगे तो यूट्यूब की जो वीडियो होती है वो 60:9 में होती है, तो आप लोग 60:9 के रेशियो को सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पर जस्ट क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग को जो अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो की जो क्लिप है सेलेक्ट करेंगे, जो वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं उन क्लिप को आप लोग फटाफट से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वाली जो वीडियो है यहाँ पे मैं यहाँ से ये वाली वीडियो उठा लेता हूँ, ये क्लिप ये वाली लूँगा। तो तीन क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं, तो यहाँ पे आप लोग जितनी क्लिप ऐड करना चाहते हैं उतनी क्लिप आप लोग इजीली ऐड कर लीजिए। इसके बाद कट कीजिए और इसके बाद आप लोग बैक हो जाइए, और बैक होने के बाद अब आप लोग करेंगे एडिटिंग। एडिटिंग करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसमें रहता है, ये जो किला है, ये आप लोगों का जो है यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करी थी मैंने, और ये एक जो है फोर्ट था, तो फोर्ट की मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप लोग इस तरीके से जो है रिकॉर्डिंग करनी है अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग शूट करना है, तो एडिटिंग करना है तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, और यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ, जैसे पार्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं पार्ट लूँगा, और ये देख सकते हैं ये इस तरीके से पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो बेस्ट पार्ट है यहाँ से आगे का वो मैं यहाँ पे कट करूँगा। यहाँ पे ये जो रेड लाइन है वहाँ लेके आना है आपको, जहाँ से आपको बीच से पार्ट को कट करना है, तो स्प्लिट करना है मुझे। तो ये कट का आइकन आ रहा है कैची का, यहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ पे टोटल पांच ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रिम लेफ्ट, तो आप लोग जो ट्रिम लेफ्ट पे जो आप लोग कटेंगे कट करेंगे लेफ्ट साइड का, ट्रिम राइट पे करेंगे राइट साइड का कट, स्प्लिट का मतलब है बीच से कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, और ये मैंने जो स्प्लिट कर लिया, और ये आगे का जो पार्ट है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट करने के बाद आप लोग वीडियो को प्ले करेंगे कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो रहेगी, ये देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं वही लूँगा यहाँ तक, ये देख सकते हैं यहाँ तक पार्ट लूँगा, और फिर से मैं सिलेक्ट करके इस फिल्ड पे मैं क्लिक करूँगा और ट्रिम टू राइट, तो मुझे पीछे का जो पार्ट है हटाना है, तो इसको आप लोग सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं इसमें कोई म्यूज़िक ले लेता हूँ, जैसे कि म्यूज़िक पे क्लिक करूँगा। अगर आप लोग कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगाना चाहते हैं, जैसे आपने देखे होंगे वीडियो प्रोफेशनल जब ही लगती है जब आप लोग बैकग्राउंड में म्यूज़िक यूज़ करते हैं, तो आप लोग जो है कोई भी म्यूज़िक मत उठाना, आप लोग यूट्यूब से नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूज़िक सर्च करके डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आप लोग म्यूज़िक डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे फोल्डर बाई फोल्डर आप लोग के जितने भी म्यूज़िक है
सारे म्यूजिक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं कोई म्यूजिक ले लेता हूँ, ये देख सकते हैं कुछ, ये म्यूजिक है, ये देख सकते हैं। तो मैं ये वाला म्यूजिक यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये वाला म्यूजिक जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसके बाद यहाँ पे अब आप लोग को करना क्या है, आपकी जो वीडियो का ऑडियो है वो आपको ऑफ करना होगा, ताकि जो म्यूज़िक है वो अच्छा लगे और वीडियो भी प्रोफेशनल लगे। इस तरीके से आप लोग साउंड को ऑफ करेंगे। और तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को इसमें जो कलर है वो सेट करना है फिल्टर वगैरह डाल के। यहाँ पे एडजस्ट मिलेगा, एडजस्टमेंट में आप लोग इसका जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी यहाँ पे मैं हल्की सी बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये जो है डार्केन दिख रहा था। और इसके बाद थोड़ा सा इसको भी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊँगा, जिसमें इसकी जो चमक है फोट की वो अच्छी से आ जाए। और सैचुरेशन में यहाँ पे सैचुरेशन इसकी थोड़ी सी बढ़ाऊँगा, और यहाँ पे वाइब्रेंस यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोग ये जो चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से टेम्परेचर। अब नीचे आएंगे और HUE, इसको भी आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे कलर देखने के लिए मिलेंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो काम हो चुका है, अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे आऊँगा और यहाँ पे यहाँ से स्प्लिट करूँगा, स्केची वाले आइकन पे क्लिक करके थर्ड वाले ऑप्शन से ये पार्ट यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। और अगला पार्ट मैं यहाँ से स्प्लिट कर लूँगा, यानी कि बीच से कट, क्योंकि बीच से कट मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसमें इफ़ेक्ट डाल सकूँ। अब ये माइनस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और एक इफ़ेक्ट है क्लासिक ट्रांजिशन में जाएंगे, और फेड थ्रो पे आप लोग ये वाला इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग इसका जो टाइमिंग है वो आप सेट कर सकते हैं। तो कलर में मैंने ब्लैक कलर के लेके रखा है, तो आप लोग जो सा कलर लेना चाहें, मोस्टली ब्लैक कलर ही लिया जाता है। और अगले में माइनस पे फिर से क्लिक करूँगा और क्लासिक ट्रांजिशन में फेड पे मैं क्लिक करूँगा। अभी आप लोग को एक बार मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें जाके मैं स्पीड में जाऊँगा और थोड़ा सा स्लो मोशन इसको डाल दूंगा। इधर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो स्लो मोशन वीडियो होगी, और राइट साइड में चलेंगे 1x से तो फास्ट मोशन होगी। मैं स्लो मोशन करूँगा। और अभी ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक क्लिप है मैंने जो है गाड़ी से रिकॉर्ड की थी। तो इस क्लिप को मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को मैं एडिट करूँगा, तो जो बेस्ट पार्ट है मैं यहाँ पे आगे से कट करूँगा, ट्रिम एंड ट्रिम लेफ्ट, ये पार्ट कट हो गया। और इसके बाद पीछे से मैं ट्रिम टू राइट कर दूंगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने जैसे सेलेक्ट किया और इसमें मैं एक ट्रांजिशन डालूंगा, और यहाँ पे आपके सारे ट्रांजिशन मिल जाएंगे। तो आप लोग और भी ट्रांजिशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोग जो है असिस्टेंट स्टोर पे जाके और भी आप लोग जो ट्रांजिशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं ट्रांजिशन को। एक्शन पर मैं जाऊँगा, एक्शन में मैं कोई ट्रांजिशन ले लेता हूँ, तो ये वाला मैं ट्रांजिशन ले लेता हूँ, डाउनलोड पर मैं क्लिक करूँगा और हमारा जो ट्रांजिशन है वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है। अब बैक हो जाइए, और बैक होने के बाद ये जो मैंने ट्रांजिशन लिया है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन रहेगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है जब तक आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ नहीं करते हैं तब तक आपकी वीडियो प्रोफेशनल नहीं लगती है। और ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन है, इनको आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं, आप लोग जो है पेड ट्रांजिशन सारे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अभी आप लोग यहाँ पे ये मेरी जो अगली जो क्लिप है इसका कलर मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे फिल्टर में जाऊँगा। सबसे पहले जो इसका विगनाइट है वो आप लोग इनेबल कर सकते हैं, विगनाइट ही देख सकते हैं, इस तरीके का इफेक्ट आता है वीडियो में। तो ये कुछ हॉरंटेड वीडियो क्लिप होती हैं उनमें रिकॉर्ड करने के लिए आता है, और भी बहुत सारे जो है जगह पर ये विगनाइट यूज़ किया जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफेक्ट है फिल्टर, फ़िल्टर में जाऊंगा, फ़िल्टर में ये आप लोग इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, जैसा आप लोग कलर वाइट ब्लैक एंड वाइट करना चाहें कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोल्ड पे जाऊंगा, कोल्ड में ये वाला इफ़ेक्ट है,
इसको यूज़ करूँगा। ये देख सकते हैं ये इफ़ेक्ट मिल रहे हैं, इनको आप लोग अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो इसका कलर वो सॉरी इफ़ेक्ट आप लोग इसका जो है कम कर सकते हैं परसेंटेज, इस तरीके से मैं फुली रखूँगा। और इसके बाद इसका जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाऊँगा और इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूँगा। अब इतना काम कंप्लीट है, अब इसके बाद इसका जो साउंड है वो मिक्सर में जाके ऑफ कर दूँगा। अभी आप यहाँ से देखेंगे ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद आप लोग को अपनी खुद की जो क्लिप है रिकॉर्ड करनी है, जो आपने खुद की फेस वीडियो बनाई है, जैसे कि अब मुझे साउंड को अपना जो है वॉल्यूम कम करना है, जैसे कि तो दोस्तों ये जो अब साउंड यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नदी है यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ एक यहाँ पे मैं इसको साउंड को कट करूँगा, स्प्लिट ट्रिम करके यहाँ पे स्प्लिट पे कर दूँगा क्लिक। अब इस साउंड को सिलेक्ट करूँगा और इसका मिक्सिंग में जाके और इसका वॉल्यूम में 10% कर दूँगा, या तो ये वाला जो म्यूज़िक हटा के मैं ऑडियो में जाऊँगा और फोल्डर में जाऊँगा और दूसरा म्यूज़िक में ऐड करूँगा जो नो कॉपीराइट रहेगा, ये वाला म्यूज़िक, ये वाला ले लेता हूँ। और हमारा जो ऑडियो है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो मैं यहाँ पे खुद एडिट करूँगा। और ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑडियो को ले लेता हूँ, तो ऑडियो मेरा ऐड हो चुका है। अब ऑडियो ऐड होने के बाद अब ऑडियो कहाँ से प्ले होना चाहिए, मैं यहाँ से लूँगा ऑडियो, मेरा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इसको ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे। अब ऑडियो को आप लोग यहाँ पे एडिट करेंगे ऑडियो को, और आगे से मैं ऑडियो को ट्रिम करूँगा, आगे जो स्प्लिट है यहाँ पे ट्रिम टू ट्रिम लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा, यानी कि आगे से हटाएंगे। और ये जो ऑडियो है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे और आगे खिसका देंगे, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और थोड़ा सा आगे और खिसका देंगे। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक क्लिप मैं एडिट करूँगा, मीडिया पर जाऊँगा और ऑल यहाँ पे दिखा रहा है, मैं बैक करूँगा। इसके बाद इमेज इमेज में जाऊँगा, ब्लैक इमेज ले लूँगा, ब्लैक इमेज लेने के बाद इसके बाद आगे आऊँगा और इसके बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग जो भी कुछ लिखना चाहें लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ब्लॉग। तो अब आप ब्लॉग लिखेंगे, ब्लॉग हैज़ 4 डाउन, और इसके बाद मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखूँगा और विद सोनू कुशवाहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लगता है आपका वीडियो। और कोई इमोजी देना है तो इमोजी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि ये मिल रहे हैं आपको इमोजी, तो इमोजी भी आप इस तरीके से दे दीजिए, ओके कीजिए। और इसका जो आप लोग को इस तरीके से बढ़ाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट में आप लोग को बहुत सारे फॉन्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग फॉन्ट को ऐड कर सकते हो। मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ बोल्ड, राइट करूँगा। अब इसके बाद कलर में जाऊँगा, कलर में ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इन एनिमेशन में जाके यहाँ पे आप लोग को टेक्स्ट में एनिमेशन डालने हैं, तो ये एनिमेशन मिल जाते हैं, तो ये एनिमेशन आप लोग डाल सकते हैं। मैं लेटर बाई लेटर ले लेता हूँ, और इसके बाद इसका जो साउंड है वो मैं यहाँ पर आगे बढ़ा देता हूँ। अब मैं वीडियो को प्ले करूँगा यहाँ से, ये देख सकते हैं आप लोग दूसरा इसमें मुझे एडिटिंग करनी है। सबसे पहले साउंड जो म्यूज़िक मैंने लिया है उसको मिक्सर में जाके मैं यहाँ पे 10% करूँगा, और 10% 12% आप लोग यहाँ पे करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग जो अपनी क्लिप है उसमें मिक्सर में जाके आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दीजिए, ऑटो वॉल्यूम इसका ऑन कर दीजिए। अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें जो कलर है वो मैं यहाँ पे डार्किंग ज़्यादा आ रहा है, फेस डार्क ज़्यादा दिख रहा है, और तो मैं इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसमें आप लोग को एडजस्टमेंट में जाना होगा,
ब्राइटनेस हल्की सी इसकी इंक्रीज़ करेंगे 16%, कॉन्ट्रास्ट आप लोग इसकी इंक्रीज़ करेंगे, और सैचुरेशन में आप लोग सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं जैसे कि वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे सही लगे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, HUE इसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं एडिट। तो फिलहाल मैं ज़्यादा नहीं करूँगा यहाँ पे, अभी मैं क्या करूँगा आप जाऊँगा फ़िल्टर में। तो फ़िल्टर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा फ़िल्टर। फ़िल्टर में आप लोग कोल्ड को जो भी फ़िल्टर ऐड करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आप लोग को फ़िल्टर मिल रहा है, मैं ये वाला फ़िल्टर ले लेता हूँ C04। अभी ये देख सकते हैं थोड़ा कलर सही आ चुका है। एडजस्टमेंट में फिर से जाऊँगा, इसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की सी और इंक्रीज़ करूँगा। सैचुरेशन में आप लोग सैचुरेशन बढ़ाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे आ चुका है वीडियो में। अभी वीडियो एडिट। तो दोस्तों ये जो नदी है यहाँ पे ब्रिटिश के ज़माने की नदी है, और इसका निर्माण 1885 में हुआ था। तो ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था, और जो ब्रिटिश का जो शासन था उस टाइम पे हुआ था। इस तरीके से आप लोग को करना है, और इसके बाद जो बेस्ट पार्ट है उसको ट्रिम आप लोग कर सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जैसे अपने दूसरा पार्ट लिया, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं इसको आगे से कट करूँगा। जैसे मेरा दूसरा पार्ट है ये, यहाँ से आप लोग ट्रांजिशन डालेंगे बिना क्लासिक ट्रांजिशन में जाके इस तरीके से ट्रांजिशन डालेंगे, ठीक है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीज़ है, मैंने वीडियो को जो ब्लॉग वीडियो को एडिट वो मैंने यहाँ पे आप लोग को दे दी है, ठीक है। तो अब आप लोग की जो वीडियो है वो यहाँ पे रेडी हो जाती है। तो इसके बाद आप लोग को एरो वाले आइकन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को वीडियो को जो है क्वालिटी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोग को इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पे अपलोड करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग ब्लॉग वीडियो को मोबाइल से एडिटिंग करने के लिए जो है सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर आप लोग को मोबाइल से ब्लॉग वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।